डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दिस लेक्चर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है हैमंड पोस्टुलेट। देखिए, हैमंड पोस्टुलेट के बेसिस पे हम लोग ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हैमंड पोस्टुलेट, ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैन बी प्रिडिक्टेड एंड वी नो दैट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। और देखिए, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कब होता है, जब ये रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में बदलता है, और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलता है जब वो सर्टेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है, और जिसे हम लोग ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और देखिए, इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक जो है वो पीक है ऑफ कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, एंड द स्पीसीज जो बनता है उसे हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखिए, ये कोई भी रिएक्शन क्या है कि एक स्टेप में हो सकता है, दो स्टेप में हो सकता है, तो उसके लिए हैमंड्स पोस्टुलेट जो अलग अलग ये मेथड ये इसमें तरीके से दिया गया है। अब देखिए, जो ये अकॉर्डिंग टू हैमंड्स पोस्टुलेट फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए क्या है, ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल द साइड टू विच इट इज़ क्लोजर इन फ्री एनर्जी लेवल। अब देखते हैं, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम यहाँ पर है, और जो इसमें ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और जो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को बताता है। पिछले क्लास में हम लोग इसे काफ़ी डिटेल में, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है, जो ये इसके बेसिस पर हम लोग ये फ्री एनर्जी ऑफ ये सिस्टम जानते हैं ये। और ये देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है, पीक ऑफ द कर्व है, और ये क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर है, ये चूँकि प्रोडक्ट की जो ये फ्री एनर्जी कम है और रिएक्टेंट के ज़्यादा है, तो ये हम लोग ये देखते हैं कि देयरफॉर फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल रिएक्टेंस मोर देन द प्रोडक्ट, ऑल दो देयर इज़ लार्ज फ्री एनर्जी चेंज ऑन बोथ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट साइड। दोनों तरफ में क्या है कि ये फ्री एनर्जी चेंज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये ट्रांजिशन स्टेट से ये जो रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी है ये ज़्यादा रिजेंबल करती है। और ये देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये तो इस तरह से हम लोग ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें ये जो बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसका जो ज्योमेट्री क्या हो सकता है। तो देखिए, वी नो दैट ड्यूरिंग दैट कन्वर्सन ऑफ ए रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट ए ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये जो ट्रांजिशन स्टेट का ये फॉर्मेशन होता है उसकी ये इस तरह से ये डिफिनिट इसकी क्या है, ये डिफिनिट ज्योमेट्री होती है, और फिर क्या, ये इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हैविंग नो डिफिनिट एग्जिस्टेंस बाय द स्पीसीज। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं, फॉर्म इन ट्रांजिशन स्टेट, द सिस्टम इन ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग जो है, अब देखो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन स्टेट का,
इसमें क्या है कि इसका कोई ये डिफिनिट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अजर इट मीन्स ट्रांजिशनिस्ट को डायरेक्टली, हेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन फ्रॉम इन इन्फेरेंस, इसको ये हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, और इन सिंपल रिएक्शन लाइक SN2 बिटवीन मिथाइल आयोडाइड एंड आयोडाइड आयन। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये रिएक्शंस यहाँ पर है, ये देखिए ये, और इसमें देखते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पर जो है ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिकल विथ ये रिएक्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर तो ये सिंपल वे है, लेकिन अब ये मोर देन अगर वन स्टेप होगा या न्यूक्लियोफाइल अलग होगा, तो इस तरह से ये डेफिनेटली हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो किससे रिजेंबल करता है, रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से। तो देखिए ये, लेकिन इसमें हम लोग क्या, ये दूसरा केस लेते हैं, हैमंड पॉसुलेट फॉर मोर देन वन स्टेप। अब देखिए ये द हैमंड पॉसुलेट हैज़ बिन मोस्ट इन्फॉर्मेटिव इन केस ऑफ रिएक्शन इन विच इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फॉर दिस पर्पस पोटेंशियल इन एनर्जी डायग्राम इज प्लॉटेड हैविंग मोर देन वन ट्रांजिशन स्टेट और फॉर्म एज। इसमें क्या है कि अगर दो एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होते हैं तो इसके ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम यहाँ पर ये बनाया गया है, और ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम विथ टू ट्रांजिशन स्टेट्स। देखिए ये एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये वाई एक्सिस पर ये पोटेंशियल एनर्जी है जो ये मीज़र करता है ये फ्री एनर्जी को। अब देखिए यहाँ पर आर इज रिएक्टेंट, डेल्टा जी ये फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन है, ये TS1 एंड TS2 ये ट्रांजिशन स्टेट, दो ट्रांजिशन स्टेट हैं। डेल्टा जी वन फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, और Δg2 है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। और ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जिससे ये दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट से इसकी एनर्जी क्या है, ये कम है। मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट से यहाँ क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। और इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि फॉर वी आर कंसीडरिंग ए जनरल रिएक्शन, हम लोग यहाँ क्या ये जनरल रिएक्शन ये कंसीडर कर रहे हैं विथ टू ट्रांजिशन स्टेट्स विथ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, और यहाँ ये क्या है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज़ द एविडेंट फ्रॉम द एनर्जी लेवल ऑफ टू इंटरमीडिएट्स TS1 एंड TS2 आर हायर देन द इंटरमीडिएट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट डिपेंड अपॉन द डीपनेस ऑफ द वेल मिनिमा ऑफ द डीपर मिनिमा द डीपर द वेल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट विल बी द ग्रेटर। देखिए जो ये ट्रांजिशन स्टेट दो है उसके बीच में क्या है कि ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है, और इसकी अभी हम लोग देखा कि इसकी एनर्जी दोनों ट्रांजिशन स्टेट से कम है, इसे हम लोग ये मिनिमा बोलते हैं, जो दोनों ये ट्रांजिशन स्टेट के ये बीच में यहाँ पर बन रहा है। और जितना ज़्यादा ये डीप होगा उसकी एनर्जी क्या होगी ये
कम होगी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो द मिनिमा इन द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम टू इंडिकेट्स इंटरमीडिएट विच इज रियल स्पीसीज हैविंग फाइनाइट बट वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम हेंस दे आर हाईली रिएक्टिव एंड मे बी ये कार्बोकैटायन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट से ये जितनी इसकी जो वो एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ये इसमें क्या है कि ये फिर भी इसकी जो इसका जो लाइफ पीरियड है जो एग्जिस्टेंस का वो काफ़ी शॉर्ट होता है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और आगे भी फर्दर ज्योमेट्री ऑफ इंटरमीडिएट कैन बी इन्फर्ड बाय हैमंड पोस्टुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम टू। और ये इसका जो ज्योमेट्री है ये तो स्टेबिलिटी की बात हुई थी, अब ज्योमेट्री है इसका ये किस तरह से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि ये ट्रांजिशन द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट इज नियर इन एनर्जी टू द इंटरमीडिएट देन द रिएक्टेंट आर। अब देखिए जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ये एनर्जी नियरर इन द एनर्जी लेवल ऑफ द इंटरमीडिएट है देन द रिएक्टेंट आर एंड इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल टू दैट ऑफ इंटरमीडिएट एंड नॉट द रिएक्टेंट। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट की जो ज्योमेट्री होगी वो रिजेंबल करेगी किससे, ये इंटरमीडिएट से एंड नॉट द। सिमिलरली एनर्जी लेवल ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू इंटरमीडिएट देन द प्रोडक्ट, हेंस बोथ द ट्रांजिशन स्टेट TS1 एंड TS2 आर मोर सिमिलर टू इंटरमीडिएट देन रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट एंड सच केसेज आर जनरली फाउंड इन हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ये देखती है कि ये जो दोनों ट्रांजिशन स्टेट हैं उसकी एनर्जी ये जो इन इसकी एनर्जी लेवल क्या है कि ये इंटरमीडिएट्स के नियरर है देन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसलिए इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो रिजेंबल करेगी किससे, इन वो ट्रांजिशन स्टेट से जो है वो। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हैमंड्स पोस्टुलेट्स के बेसिस पर ये ज्योमेट्री ऑफ ये इंटरमीडिएट्स को हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज क्लास में ये यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे और ये दूसरे एग्जांपल्स ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेकर के रिएक्शन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।